भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक एडवोकेट कपिल त्यागी ने सिरोंज लटे हुए विधानसभा से भाजपा विधायक के भ्रष्टाचार को लेकर सोशल मीडिया पर टिप्पणी की। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए खुला चैलेंज दिया। उन्होंने कहा कि एक बार सामने सामने खुले डिबेट में बैठ जाइए, यदि मैं आपको और आपके अधिकारी को भ्रष्टाचार में लिप्त साबित नहीं कर पाया तो सिरोंज छोड़ दूंगा, अन्यथा आप विधायक से इस्तीफा दे देना। अब ये देखना होगा कि भाजपा विधायक त्यागी की चुनौती का सामना करेंगे या नहीं। साथ ही आपको बता दें कि भाजपा विधायक पर अब सोशल मीडिया पर लोग तबाह तबाह की टिप्पणियां कर रहे हैं। मैंने जो आत्मसात किया है, जो मैंने देखा है मेरे साथी अधिवक्ताओं के द्वारा, आप सोचिए कि अपीलीय प्रकरण में माननीय अनुभागीय अधिकारी को हम डेट लिख के आते साइन करके, अगली डेट जो लगी होती उसके पहले फैसले हो जाते हैं। एक ही प्रकरण की दो अपीलें एसडीओ कोर्ट में चलती हैं, एक स्वीकार कर ली जाती है, खारिज कर दी जाती है। ऐसे कई तथ्य जो प्रमाण के साथ में रखने के लिए तैयार हूं, और इतना लिखने के बाद आज 5 दिन तक यहां के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिए था और उसका तत्काल ट्रांसफर होना चाहिए था। हमारे अनुभागीय अधिकारी महोदय तो इतने बोल्ड हैं कि वह सिविल न्यायालय की अवज्ञा करते रहते हैं, सिविल न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश, जहां से एक कोई व्यक्ति जीत के आया है उस पर वो स्थगन देते हैं। स्थगन देने के बाद उसके सिविल न्यायालय के आदेश की बटान के विरुद्ध स्वयं बटान बनाते हैं, और जब और न्यायालय पे टिप्पणी करते हैं जिनके विरुद्ध अभी माननीय एडीजे महोदय सिरोंज में कंटेंट संबंधित कार्रवाई गतिशील है। मैंने इसलिए लिखा है कि इनके कई कारनामे हैं जिस पर मैं अभी न्यायालय में गतिशील है, उन पर टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता हूं। लेकिन आप देखेंगे 27 तारीख के बाद जो होगा वो आप पत्रकार जगत को मालूम होगा, इस क्षेत्र की जनता को मालूम होगा कि गलत अधिकारी के साथ क्या न्याय होता है और न्यायालय क्या सजा देता है, ये आप सब देखेंगे।